हेलो जी, वेलकम बैक। और काफ़ी अरसे के बाद मैं एक फिर नई वीडियो के साथ आ गया। तो यार, कुछ अरसे पहले ना मैं गया था बाकू, और बाकू में कैसे पहुंचा आज उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। अच्छा, बाकू जाने में ना दो तीन मसले मसाइल थे। सबसे पहला मसला, नहीं दो तीन नहीं थे, दो ही थे। सबसे पहला मसला ये था कि बाकू जाने के लिए जो वीज़ा वीज़ा था, कुछ प्रोसेस था, वो मैंने बहुत इजीली स्मूथली कर लिया। दूसरा प्रोसेस था फ्लाइट का। वो मसला ये था कि बाकू को पाकिस्तान से सिर्फ दो ही डायरेक्ट फ्लाइटें जाती हैं, या तो जाती है कराची से या फिर जाती है लाहौर से। तो लाहौर हमने जो है ना वो जाना नहीं था, ठीक है, और कराची जाना था। और कराची जाने की दो वजूहत थी। दो वजूहत ये थी कि पहला तो हमें कराची से इश्क के, हम उस फीलिंग्स को, उस एनर्जी को दोबारा से फील करना चाह रहे थे। और दूसरा ये कि हमने अपनी जवानी का एक अच्छा खासा अरसा जो है ना वो कराची में गुजारा है। तो हम चाह रहे थे कि यार उन लोगों से मिलें, उन लोगों से फिर गपशप लगाएं, खाना शाना खाएं उनके साथ, ज़रा पुरानी यादें ताज़ा करें। अब देखो भाई, कराची जाने के भी तीन तरीके थे। पहला था बाय एयर, जो कि बजट फ्रेंडली नहीं था। दूसरा था बाय बस, जो कि हेल्थ फ्रेंडली था क्योंकि हमने आगे भी ट्रैवल करना था। और तीसरा था ट्रेन। फिर हमने ट्रेन पर भाई साहब, जो ट्रेन है ना वो सखर वोरो लाड़काना हैदराबाद से होती हुई कराची पहुंची। कराची पहुंच के अपने अपने यारों दोस्तों से ज़रा संगत की, ज़रा खाना शाना खाया, गपशप लगाई। फिर उसके बाद हमने किया रेस्ट। अगले दिन हमारी 12:30 बजे की फ़्लाइट थी, ठीक है, और हम कराची एयरपोर्ट पहुंचे, ठीक है। और PIA की सीटें देख के ना थकावट चढ़ गई। मतलब वैसे तो होता है ना, किसी बंदा कहता है कि यार थकावट उतर जाए, भाई PIA की सीटें देख के ना जहाज की बंदे की थकावट चढ़ जाती है। मतलब मून चीमा जो है ना, या कराची की मुस्लिम बस है, उससे भी घटिया होती हैं सीटें PIA की। ये चेक करें। भाई ऐसे वैसे जैसे तैसे करके हम जो है ना बाकू एयरपोर्ट पहुंच। शुक्र है कि मतलब PIA से बंदा अगर हिफाजत से पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। उधर हमारा जो होटल रिजर्वेशन थी उनकी तरफ से जो है ना पिक एंड ड्रॉप फ्री था। तो अब बंदा हमारे लिए मौजूद था, हमारा साइन बोर्ड लेके खड़ा हुआ था, हम उसके साथ बैठे। होटल पहुंच के हमने सही सुकून का सांस लिया कि शुक्र है भाई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये थी होटल तक की कहानी। अभी बाकू की एक्सप्लोरेशन अभी बाकी है, तुम्हारे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप बाकू हमारे साथ देखें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ देखें, इसलिए आप सब्सक्राइब को लाजमी दबाएं और मतलब बेल भी दबाएं ताकि आपको पता चले कि भाई भाई ने वीडियो अपलोड की। कभी कभी तो करता है, कौन सा रोज़ करता है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मैं वीडियो डालूँ, तो पता चले कि भाई नया दिन चढ़ा है, नई वीडियो आई है। आहा, बाय बाय।